हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? अभी जो है मॉर्निंग के 7:30 हो चुके हैं। तो आज मैं जा रही हूँ मंथली ग्रोसरी शॉपिंग के लिए। तो मंथली शॉपिंग करना तो बहुत ज़रूरी है, तो आज हम दोनों भी जा रहे हैं, क्योंकि अभी टाइम तो हो गया 7 to 11 यही टाइम है। अभी 7 से 11 बजे तक ही आपको जो है ग्रोसरी शॉपिंग वगैरह जो भी है इसेंशियल चीज़ें जो है आपको वो शॉप करनी पड़ती है, तो उसकी शॉपिंग करनी पड़ती है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है ना कि बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। घर का वैसे के वैसे ही काम सब पड़ा है। मॉर्निंग का जो सुबह ब्रेकफास्ट वगैरह सब होता है वो वैसे ही रख दिया है हमने, कुछ किया नहीं। अभी हम पहले जाएंगे ग्रोसरी शॉपिंग, फिर और भी बाकी सारी चीज़ें हैं जो हमें लानी है, तो वो सारी चीज़ें हम लेके आएंगे। फिर मैं आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये मंथली शॉपिंग मैंने की है ग्रोसरी शॉपिंग। तो हम एक एक करके सारी चीज़ें जो है देखने वाले कि हम मैंने क्या क्या चीज़ें जो है मंथली शॉपिंग में मैं हमेशा लेती हूँ। कुछ सारी चीज़ें जो है वो अवेलेबल नहीं थी, तो डीमार्ट भी बंद था, और तो इसके वजह से हमें जो सारी चीज़ें चाहिए थी उसमें से कुछ कुछ चीज़ें जो है वो हमें मिली नहीं। तो सबसे पहला है ये व्हील 2-in-1 वाला। तो मैं हमेशा विम बार यूज़ करती हूँ, लेकिन मुझे मिला नहीं तो मैंने व्हील ले लिया। ये है अमूल का चीज़। उसके बाद चाट मसाला जो है ख़त्म हो गया था, तो इसके लिए चाट मसाला लाया है। ये एयर पॉकेट है जो 2 फ्लेवर में हमने लाया है। पीछे भी एक मैगी दिखाई दे रहा है। और ये जो है डेटॉल है, डेटॉल कूल का पैक है, ये 4 का पैक है, 4 सोप का पैक है। उसके बाद ये जो कॉफ़ी है, कॉफ़ी बहुत लगती है तो इसके लिए बड़ा ही पैक लेते हैं, बट नहीं था अवेलेबल तो छोटे वाले दोनों 2 लिए हैं। ये जो है डेट्स है, ये गिलाय का जूस है, ये शक्कर है, और ये लकड़ी खाने का ऑयल है। ये बहुत अच्छा होता है लकड़ी खाने का ऑयल। अगर आप कोई भी यूज़ करता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कौन कौन यूज़ करता है। ये बर्तन घिसने के लिए मैंने लिया है। इसके बाद ये शेंगदाना है, ये है पाव भाजी मसाला जो ख़त्म हो गया था, इसके लिए बड़ा वाला ही पैक लिया है, मुझे हमेशा लगता है। ये है ग्रीन टी ऑर्गेनिक वाला, ये है च्यवनप्राश, ये है हल्दीराम का आलू भुजिया। उसके बाद आप पीछे देख रहे हो कोहिनूर का ये बासमती चावल है। मैं इंडिया गेट यूज़ करती हूँ, लेकिन इंडिया गेट अवेलेबल नहीं था तो मैंने कोहिनूर वाला लिया है। इसके बाद ये मेरे बेबी को डायपर लगता है, तो मंथली 56 पीसेस लगते हैं या कम ही लगते हैं, बट मंथली वाला ही मैं हमेशा लेती हूँ एक ही बार, तो ये वाला मैंने लिया है। उसके बाद ये मेमी पोको पैंट्स का जो है वाइप्स लिया है। एक्चुअली मैं सेंसिटिव का ही वाइप्स जो है यूज़ करती हूँ, बट अवेलेबल नहीं था तो मुझे मेमी पोको ही लेना पड़ा क्योंकि ऑप्शन नहीं था मेरे पास। उसके बाद ये है जीरा, उसके बाद ये है राइस का आटा है। मैं कभी कभी घावन वगैरह बनाती हूँ तो इसके लिए मुझे ये लगता है। इसके बाद ये है साबुदाना, ये है हैंड वॉश। इसके नीचे जो है ये वाला जो है इंद्रायणी राइस है, ये हम रेगुलर राइस जो खाते हैं उसके लिए मैं यूज़ करती हूँ। उसके बाद ये जो है टाटा संपन्न का जो है मूंग दाल है, मैं खुला वाला मूंग दाल लेती हूँ लेकिन वो अवेलेबल नहीं था तो मैंने ये लिया है। रील का ये है पाउडर है जो मशीन के लिए मैं यूज़ करती हूँ। ये सारी चीज़ें जो है मैंने लाई है, इसमें बहुत सी चीज़ें जो है वो अवेलेबल नहीं है मेरे ये। उसके बाद जो ये है ये हिमालय का फेस वॉश मैंने लाया है। मैं खादी का यूज़ करती हूँ बट खादी का अवेलेबल नहीं था तो मैंने हिमालय का लाया। मैं पहले हिमालय यूज़ करती थी, फिर बाद में मैंने खादी यूज़ करना चालू किया, तो मैं तब से खादी ही यूज़ करती हूँ। अभी कम से कम मुझे 2 साल हो गया मैं खादी यूज़ करती हूँ, बट अभी ऑप्शन नहीं है तो फिर मैं दूसरे इसमें नहीं जाना चाहती थी, इसके लिए मैंने हिमालय का यूज़ किया है। ये विम का लिक्विड है जो बर्तन के लिए ऑयली बर्तन होता है उसके लिए मैं यूज़ करती हूँ। उसके बाद ये वाला जो है डव शैम्पू है, ये मम्मी यूज़ करती है, इसके लिए मैंने ये वाला डव शैम्पू लाया है। हम होममेड ही शैम्पू यूज़ करते हैं लेकिन कभी कभार लगता है ऑयल वगैरह लगाया तो जल्दी निकलता नहीं, इसके लिए ये थोड़ा बहुत यूज़ करने के लिए हमें ये चाहिए होता है, इसके लिए मैंने ये डव वाला शैम्पू लिया है। उसके बाद ये जो है
मैं चाइनीज़ वगैरह पिज़्ज़ा वगैरह बनाती हूँ, तो इसके लिए मुझे लगता है। तो ये मैंने रेड चिली सॉस मेरा ख़त्म हो गया था, मैं पाउच वाला लाती हूँ, लेकिन पाउच अवेलेबल नहीं था तो मैंने ये जो है बॉटल ले लिया है। तो ये सारी चीज़ें जो है मैंने अपने मंथली शॉपिंग में लेती हूँ, ये सारी चीज़ें होती है। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो अल्टरनेटिव मैंने ली है कि ये वाइप्स नहीं था, तो मैंने मेमे पॉको पैंट्स का भी अच्छा होता है तो इसके लिए मैंने मेमे पॉको पैंट्स का ले लिया है। उसके बाद जो है ये तो ऐसे ही टाइम पास के लिए लाया है, और बाकी ये भी टाटा संपन्न का मूंग दाल मैं नहीं यूज़ करती हूँ, बट जब खुला वाला यूज़ करती हूँ, बट वो दुकान बंद था तो इसकी वजह से मैंने ये लिया। ऑप्शन में मैं टाटा संपन्न ही लाती हूँ अगर कभी नहीं मिला मुझे तो। और इसमें भी मैं इंडिया गेट यूज़ करती हूँ, बट मुझे नहीं मिला तो कोहिनूर अच्छा है तो इसके लिए मैंने कोहिनूर का लिया। बाकी सारा चीज़ें जो है मेरी बराबर से आई है, इसका भी पैक बड़ा नहीं था इसके लिए मैंने दो पैक ले लिया है। बाकी सारी चीज़ें जो है, ये सारी चीज़ें हम जो सोप है वो भी हम खादी का ही यूज़ करते हैं, उसका भी वीडियो मैं आपको कभी दे दूँगी, बट अभी फ़िलहाल मैंने ये डेटॉल का लिया है, क्योंकि खादी का कोई भी शैम्पू या फेस वॉश वगैरह ये सारी चीज़ें जो है तो वो मिल ही नहीं रही है, शैम्पू वगैरह सोप या फेस वॉश या और भी बहुत सारी खादी की चीज़ें जो हम यूज़ करते हैं वो मिल नहीं रही है। इसके वजह से अल्टरनेट में ये सारी चीज़ें जो है वो यूज़ करनी पड़ रही है। तो ये सारी चीज़ें जो है मैंने लाई है, और इसके पहले जो वाला ब्लॉग था शायद उसमें भी मैंने कुछ सारी चीज़ें जो ख़त्म हो गई थी, मुझे इमरजेंसी चाहिए थी, मैंने वो लाई है, तो वो इसमें नहीं है, वो पिछले वाले ब्लॉग में आप देख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जो है मैंने मंथली शॉपिंग में ऐड की है, जो चीज़ें मुझे मिली नहीं है वो भी चीज़ें जब मैं लाऊँगी तब मैं उसका भी ब्लॉग बना दूँगी। तो तब तक के लिए चलिए आगे के काम कर लेते हैं हम। हाय फ्रेंड्स, अभी चल रहा है हमारा मसाले बनाने का काम, सब प्रोसीजर चल रहा है वो मसाला बनाने का। मम्मी जो है वो सारी चीज़ें जो है मतलब खड़ा मसाला, मिर्चियाँ, धने वगैरह ये सारी जो चीज़ें होती है उसमें डालनी पड़ती है, वो सारी चीज़ें जो है डालने से पहले हमें उसको भूनना पड़ता है, मतलब वो मसाला बनाने से पहले उसको धूप देना पड़ता है, फिर उसके बाद उसको भूनना पड़ता है। वो सारी चीज़ें हमें वो सारी चीज़ें जो है प्रॉपरली हमें करनी पड़ती है, फिर ही उसको जो है वो मसाला बनाने के लिए देना पड़ता है। तो अभी वो सारी प्रोसीजर चल रही है किचन में, मम्मी जी वो सारी चीज़ें जो है भून रही है। तो मसाले का जो ब्लॉग है, मसाला ब्लॉग जो है वो आपको मिलेगा देखने के लिए, मतलब कैसे बनाया जाता है मसाला, उसका वीडियो जो है वो मैं अलग से डालूँगी। ये पूरा जो है ब्लॉग है, सुबह हम गए थे मंथली शॉपिंग के लिए, वो मंथली शॉपिंग हो गया, उसके बाद घर आने के बाद हमने थोड़ा बहुत कुछ खा लिया। हाय फ्रेंड्स, अभी हम बनाने वाले हैं डिनर, और डिनर में हम बनाने वाले हैं आज दलिया, उसके बाद मसूर की सब्जी, राइस और ज्वार की भाकरी, और उस साथ ही साथ उसमें आने वाला है मैंगो। यस, मैंगो भी हम खाने वाले हैं, क्योंकि तो इस वजह से हम आज डिनर में खाने वाले हैं मैंगो। तो चलिए हम फटाफट से वो सारी चीज़ें जो है बनाने वाले हैं, तो चलिए शुरू कर देते हैं।
ठीक है।